लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका News29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों के लगातार विरोध के बीच कमलनाथ सरकार ने सभी नवनियुक्त आयोग अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। शोभा ओझा, राजू खेड़ी, आनंद अहिरवार, जेपी धनोपिया और अभय तिवारी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। सरकार ने सभी आयोग के अध्यक्ष जो अभी अभी बनाए गए थे सभी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। ये फैसला तब लिया गया है जब कमलनाथ सरकार के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट बेंच में संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार अल्पमत में है, इसलिए उसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार नहीं है। याचिका भूपेंद्र सिंह कुशवाहा, प्रदेश सह संयोजक भाजपा की ओर से दायर की गई है। इससे पहले मंगलवार को कमलनाथ सरकार द्वारा की जा रही संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों के खिलाफ बीजेपी ने राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में कहा गया था कि अल्पमत की सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियां रद्द की जाए। भाजपा का कहना था कि यह सरकार अल्पमत में है, उसे अब कोई नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, News29 इंडिया। तो आप देखते रहिए News29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।